आज के टाइम की स्मार्टफोन कंपनीज का सिर्फ एक मोटिव है, वो है बजट फ्रेंडली फोन बनाना। भाई बजट फ्रेंडली फोन्स का जो लेवल है वो इस कदर बढ़ चुका है कि एक ही प्राइस में इतने सारे फोन जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। मतलब बड़ी सी बड़ी कंपनीज जो है वो भी बजट फोन बनाने के लिए मजबूर सी हो गई है। अगर आप बजट फोन नहीं बनाओगे तो आपकी कंपनी जो है वो पिट सकती है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, तो उस रेंज में जैसे 7,000-8,000 उस रेंज में इतने सारे फोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि जो कस्टमर है, यूजर है, वो बिल्कुल तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फोन उसको उस रेंज में लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। और जो प्राइस का अंतर होता है वो 500 रुपये 1,000 रुपये सिर्फ इतना ही होता है। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उसी के लिए बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बजट स्मार्टफोन्स अंडर 8,000 रुपीज़ जो आप 8,000 रुपये के अंदर खरीद सकते हैं। तो अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं वो भी 8,000 के अंदर, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। आपको मैं एक एक फोन के बारे में बताने वाला हूँ कि उस फोन को आपको क्यों खरीदना चाहिए, और सारे फोन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखूंगा। तो अगर आप उस लिंक से कोई भी फोन परचेस करते हैं तो मेरे चैनल को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं टेक प्लस गैजेट्स। लेट्स रोल दी इंट्रो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे टेक प्लस गैजेट्स की फैमिली जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। अगर आप उस फैमिली के मेंबर नहीं है तो आप बन सकते हैं। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूं। और इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है, क्योंकि लाइक्स जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमारे लिए क्रिएट करते हैं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे जो फोन है उस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M10। इसकी जो प्राइस है वो 7,990 रुपीज़ है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसमें आपको डिस्प्ले जो है वो 6.2 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके अगर कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। परफॉर्मेंस जो है इसका, इसमें जो चिपसेट डला है वो एक्सिनो का 7870 का प्रोसेसर डला है। और इसकी जो स्टोरेज है वो 2GB रैम और 16GB इंटरनल के साथ ये आपको फ़ोन मिल जाता है। और अगर इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो इसमें आपको 8.1 का सपोर्ट मिलेगा, और इसकी जो बैटरी है वो 3300 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो मैंने भाई 5th नंबर पे इस फोन को इसलिए रखा है कि कई लोग जो है वो सैमसंग खरीदने में आज भी इंटरेस्टेड है, और ये सैमसंग की तरफ से बहुत बजट स्मार्टफोन है। तो अगर आप सैमसंग लवर हैं तो इस फोन को जरूर खरीद सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है। तो बात कर लेते हैं 4th नंबर के फोन की, तो उसका नाम है Realme C1। उस फोन का प्राइस है 7,499 रुपीज़। इसके अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगा 6.2 इंच का HD प्लस का डिस्प्ले, और इसका जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करता हूँ तो इसमें स्नैपड्रैगन 450 आपको मिलेगा, और इसका जो GPU है वो 506 का GPU है। तो जो GPU और स्नैपड्रैगन 450 का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रखा है। और अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करता हूँ तो 3GB रैम और 16GB इंटरनल स्पेस के साथ आपको ये फोन मिलेगा। अगर आप इस फोन का एक और हाई वेरिएंट लेते हैं तो उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको उसमें 3GB का रैम मिल जाएगा और 32GB के इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 8.1 है, और इसका जो बैटरी है वो 32mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो स्नैपड्रैगन और GPU के कारण मैंने इसको 4th नंबर पर रखा है। ये फोन काफी अच्छा है, इसमें ओप्पो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसकी स्क्रीन जो है वो ओप्पो वाली है। तो इस फोन को आप चांस दे सकते हैं, काफी अच्छा फोन और ये है, इसलिए मैंने इसको 4th नंबर पर रखा है। जो भी फोन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारे फोन के लिंक दे के रखी है, तो आप उसके थ्रू जो है वो फोन खरीद सकते हैं। तो भाई बात कर लेते हैं 3rd नंबर के फोन की। तो 3rd नंबर पे जो फोन आ रहा है उसका नाम है Honor की तरफ से Honor 9N। तो ये जो फोन है वो आपको 8,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो जो इसका डिस्प्ले है वो सिर्फ 5.84 का फुल HD प्लस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और इसका जो कैमरा है वो काफी अच्छा है, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा, जो ब्यूटी मोड और AI मोड के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो प्रोसेसर है वो Kirin का डला हुआ है, इससे Kirin 654 करके जो इसमें एक प्रोसेसर है वो आपको इसमें मिलेगा। इसके अगर स्टोरेज की बात करता हूँ तो 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये आपको फोन देखने को मिलेगा। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड
8 के साथ आपको देखने को मिलेगा, और इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh की है। तो ये फोन जो है इसको मैंने थर्ड नंबर पे इसके कैमरा और इसके प्रोसेसर के कारण रखा है। इसका प्रोसेसर भी काफी अच्छा है, गेमिंग का बहुत माना जाना प्रोसेसर है। तो आप इस फोन को ट्राई कर सकते हैं अगर आप ऑनर के फोन खरीदना चाहते हैं। अगर आप सेल्फी कैमरा वगैरह जो यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तो आप इस फोन को ट्राई दे सकते हैं। बहुत अच्छा फोन है, इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है। अब मैं बात करूं सेकेंड नंबर के फोन की, तो इस फोन की जो अभी कीमत है वो 9000 रुपए है, 1000 ज्यादा है हमारे बजट से। लेकिन ये जो सेल पे है वो कभी कभी 8000 रुपए में भी मिल सकता है, क्योंकि ये रियलमी 3 जो है वो कैशबैक वगैरह का ऑफर वगैरह देती है। तो वो सारी जो जानकारी है वो आपको लिंक में मिल जाएगी, मैंने लिंक जो देखे रखी उस पर जाके आप पता लगा सकते हैं। लेकिन जो ये फोन है काफी अच्छा है, 9000 का भी अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अच्छी है, और Redmi Note 7 से इसका अच्छा खासा कंपैरिजन किया जाता है। इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसका जो डिस्प्ले है वो 6.2 इंच का HD+ का आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाएगा, और इसका जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है, और करीब 12 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करता हूँ तो इसमें आपको MediaTek का अच्छा खासा प्रोसेसर मिल जाएगा, जो Redmi Note 7 के साथ मतलब सिमिलरली माना जाता है, क्योंकि ये दोनों फोन थे वो एक साथ आए थे। और अगर इसकी बैटरी की बात करूँ तो 4230 mAh की बैटरी आपको मिलेगी, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 9.0 है। तो ये फोन जो है बड़ा लेटेस्ट फोन है, 1000 रुपये अगर आप ज्यादा खर्च करना चाहते हो तो ये फोन को आप अच्छा खासा चांस दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रीमियम लुकिंग फोन है, इसमें वाटर ड्रॉप टाइप का नॉच वगैरह भी है, इसमें ओप्पो का UI वगैरह चलता है, तो बहुत अच्छा फोन है, आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं नंबर 1 फोन की, तो जो ये फोन है वो मेरा पर्सनल फेवरेट फोन है, क्योंकि अभी जो इसकी कीमत है वो 8000 रुपये है, मतलब 7999 रुपीज का आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन से, क्योंकि सेल चल रही है। मैंने जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। इस फोन का नाम है Asus Max Pro M1, जो इसकी कीमत के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसका जो डिस्प्ले है वो 5.9 इंच का फुल HD+ का आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाएगा, जो बाकी के किसी भी फोन में नहीं था। और इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 636 है, काफी दमदार प्रोसेसर के साथ ये फोन आ जाता है। इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की बैटरी है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 8.1 मिल जाता है ओरियो के साथ। और इसका जो कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है, और 12 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके स्टोरेज की बात करता हूँ तो 3GB के साथ और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये फोन मिल जाएगा। तो भाई जितने भी फोन बताए हैं उन सब में से सबसे अच्छा फोन है ये, मतलब मेरे को ये पर्सनली लगा, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। और बस ये एक चीज में जो है वो मात खा जाता है, वो कैमरा इसका थोड़ा ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूँ कैमरे की तो ऑनर का जो फोन है वो उसका कैमरा अच्छा है, रियलमी 3 का कैमरा अच्छा है, लेकिन इसका कैमरा थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और बैटरी वाइज जो है ये बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। तो ये थे मेरे टॉप 5 फोन्स, मतलब बजट फोन्स अंडर 8000 रुपीज, जिसको आप अभी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है क्योंकि सेल भी चल रही है, लिंक जो है सारी वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके सारे फोन्स को परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। ऐसी वीडियो रेगुलर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबाएं, ताकि आप मुझे सब्सक्राइब करें और मैं मोटिवेट हूं और ऐसी वीडियो आप तक लाता रहूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।